सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माई ब्लॉग। और आज मैं बना रहा हूँ सुबह सुबह ब्लॉग। तो आज का दिन का कुछ प्लान बना है जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज हम कहाँ जा रहे हैं। आज मेरे दोस्त का कॉल आया था मुझे सुबह सुबह, जो कि 8 बजे के आसपास आ गया था। अभी 9 बज रही हैं, हल्की फुल्की धूप भी आ चुकी है। आज हम जा रहे हैं उसकी गाड़ी की सर्विस कराने, जो कि है कहाँ, ICBT के पास देहरादून में। और वहाँ उसका शोरूम है, उसकी स्कूटी का शोरूम है, तो वहाँ सर्विस कराने जा रहे हैं। तो मैंने सोचा चलो आज जब वहाँ जा रहे हैं, उसकी सर्विसिंग में पूरा दिन लगता है, तो उसकी सर्विसिंग के चक्कर में हम चलते हैं आज बुद्धा टेम्पल, वहाँ भी थोड़ा घूम के आ जाएंगे। तो फटाफट से रेडी होते हैं, वो भी कमरे पे लेने आना आ रहा है मुझे। उसके बाद उसकी गाड़ी सर्विस सेंटर में छोड़ने के बाद वहाँ से विक्रम पे जाएंगे बुद्धा टेम्पल के लिए। तो आज आपको हम एक अच्छी जगह ले जाते हैं, वहाँ के कुछ शॉट्स वगैरह भी देखेंगे, वहाँ के बारे में देखेंगे, बताएंगे आपको। तो फिर मिलते हैं, तैयार होते हैं फटाफट, फिर निकलते हैं। रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का मुक्की ने। तो दोस्तों आज हेलो है, गुड मॉर्निंग मैडम। हाँ जी, गुड मॉर्निंग मैम। स्टाइल देखिए इसका, फोन पकड़। तो हमारे पास हो रही था किराया रहता, तो भाई ने हमारा किराया दिया है। भाई को हम गूगल पे करेंगे। तो ये यहाँ की रोड है और ये हम जा रहे हैं अब। थैंक यू यार भाई। आप कहाँ के हो, इधर ही क्यों? नहीं, 30 रुपये ले रहे। यही यहीं के लिए आया घूमने? नहीं, वो भैया का पेपर था ना। अच्छा, तो तुम भी ऐसे आए हो, मतलब भैया यहीं पे आए हो। ओके, 30 रुपये ले लेते उससे। क्यों? अब ज्यादा टाइम में तो चाहिए ना, अभी हम खाएंगे कुछ। ठीक है, 500 रुपये तुम दे रहे। इसको 500 रुपये देते हैं, उसी को खर्च कर रहा है मेरे। हाँ, मैं बता रहा हूँ इसको। सो गाइस, फाइनली हम आ चुके हैं बुद्धा टेम्पल। अब हम जाएंगे अंदर। तो पहले मुझे देख लो, मैं कैसा लग रहा हूँ। झल्ला झल्ला तो नहीं लग रहा ऐसा? सोचा कि भाई तो सज धज गया है। ठीक है, हम नहीं आ पाए सज धज के यार, इसके चक्कर भी नहीं आ पाए। मैं भाई बढ़िया लग रहा, तेरे पे हर कपड़े अच्छे लगते हैं, मैं पहन के आ गया। अभी हम कह रात आ गए मेरे घर, और काली सुबह सुबह आ जाते हैं साले परेशान करने के लिए। हाँ, यही है। सौ दोस्तों, ये यहाँ का मेन गेट है, यहाँ इन्होंने कुछ लिख रखा है, आम जनता के लिए मंदिर के अंदर गर्मियों में 9:30 बजे। ये ठीक है, यहाँ पे वो वीडियो बनाएंगे बिकी तरह। उड़े जैसे हवाएं, सनाने सनाने। ये दगड़े हो, हमने डिसाइड किया है कि हम पहले प्रांगण घूमेंगे बौद्ध टेंपल का, फिर मेन मंदिर में जाएंगे। एक एक यहाँ पे घुमाने वाला है, उसको घुमाएंगे, उसके बाद हम जाएंगे। ठीक है, वो देखते हैं। वैसे काफ़ी अच्छी जगह है। बुद्धा टेंपल के बारे में अगर आपको बताया जाए, तो बुद्धा टेंपल देहरादून भगा दिया था यार, कुछ फेमस मंदिरों में से एक टेंपल है। ठीक है, तो आप लोग, हमने सोचा हमारे लिए चला रहे हैं, डर जाते हैं यार, छोटे आदमी हैं, कोई जोर से चलाता है तो हम डर जाते हैं। 12 बजे का टाइम है, 10:30। तो ये यहाँ आपको बौद्ध, उसकी बहुत सी कलाकृतियाँ मिल जाएंगी। बाकी इसके बारे में हमको, आपको विकास उयाल बताएंगे, इनको काफ़ी अच्छे तरीके से पता। बताइए जी, अब इन चीज़ों के बारे में तो गूगल पे कर लेंगे हम, उनको नेचुरल ब्यूटी दिखाएंगे यहाँ की। हाँ, यहाँ क्यों आना है ये बात, ये चीज़ें तो यूट्यूब पे क्या कहते हैं, आप गूगल पर जाके देख करके कर सकते हैं। टेंपल दे रहा हूँ, बाकी आपको देखना होगा उसके बारे में, तो हम आपको दिखा सकते हैं कि वो। बाप को भेज, तेरे बस की बात नहीं। उधर म
वाइड व्यू। अरे ड्रैगन है। दोस्तों अब हम यहाँ भी घूम चुके हैं, ये है पीछे यहाँ मंदिर, इधर आए इधर आगे से भाई फोटो ले रहा था तो हम साइड हो गए थे। ये आप मेरे पीछे देख ना मंदिर, सही है। दोस्तों यहाँ आज बहुत सारे लोग भूटान से आए हैं तो हमें मौका तो मिल नहीं पा रहा अंदर जाने का ऊपर, और वैसे भी वहाँ वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है सो हम लोग तो वहाँ वैसे भी नहीं जा सकते हैं। भूटान के लोगों से तो हम आपको नहीं मिला पाएंगे पर कुछ फॉरनर्स हैं यहाँ पे घूम रहे हैं, इनसे हम आपको जरूर मिलाएंगे। हाँ कुछ एक दो फॉरनर हैं, हम उनसे बात कर लेते हैं थोड़ा, देखते हैं कितनी हमें इंग्लिश आती है। वैसे आती तो नहीं है बट उन्हीं से पूछेंगे कि आपको हिंदी आती है कि नहीं आती, क्योंकि भूटान के लोगों से इसलिए नहीं मिला पाएंगे क्योंकि वो अपनी पूजा में बहुत व्यस्त हैं। देखिए अभी सारे भूटान से लोग आए हैं और सारे बाकी यहाँ कुछ और लोग भी आए हैं आज, लगता है हम सही दिन आए हैं, यहाँ बहुत सारे लोग आए हैं, कोई कुछ लोग भूटान से आए हैं, कुछ यहाँ फॉरेनर वगैरह भी आए हैं। समझ रहे हो ना? बाकी अभी हम सोच रहे हैं कि हम फॉरेनरों से भी बात करें, अगर हम कर पाए तो ट्राई करते हैं एक बार। चलिए फिर पकड़ते लंबू वाले। Excuse me, we are shooting a vlog. Can we take you in vlog? No. ऑकवर्ड फील करवा रहे हैं। हाँ, अब देख हिंदी में क्या होता है, तो हिंदी में अपने हम फीलिंग्स को व्यक्त कर सकते हैं। हाँ इंग्लिश में हम अपना फीलिंग्स व्यक्त नहीं कर सकते, तो अब मुझे भाई हमने कोशिश तो की वो फॉरेनर से बात करने की बट जिनमें से हाँ ऑकवर्ड भी, प्लस हमने एक जो उनका ग्रुप आ रखा था पूरा उसमें से एक को हमने अप्रोच किया बात करने का और तो उन्होंने सीधे मना कर दिया हमें। हो सकता है कि हमारी इंग्लिश कमजोर हो बट मुझे जहाँ तक लगता है जैसे कि फॉरेनर उनकी प्राइवेसी के बीच में भी तो आ रहे हैं। हाँ जैसे फॉरेनर लोग होते हैं तो वो हम इंडिया को, ऐसा भी हो सकता है कि हम इंग्लिश में इंडिया को गलत रिप्रेजेंट कर रहे हो या इसलिए हम ये भी हो सकता है। प्लस ये भी हो सकता है कि हमको उनको साइड अलाउड ना हो किसी और के साथ, और क्या पता जो आप देख रहे हैं कि सोशल मीडिया आज के दौर में बहुत ही खतरनाक हो चुका है तो शायद वो उस डर के मारे भी कुछ ना करना चाह रहे हो। मैंने फ़ोटो खींचने के लिए कहा था एक को तो उन्होंने उसके लिए भी हमें मना कर दिया था। सो दोस्तों फाइनली हम आ चुके हैं बाहर, अब हम जा रहे हैं घर की तरफ। तो क्या इस दो जो ये हैं हमारे दोस्त, इनकी सर्विसिंग होती है यहीं पे इसके बाहर एक चौक पे बाइक की सर्विसिंग इनकी सर्विसिंग मतलब इनके स्कूटी की सर्विसिंग, तो उसके लिए हम आए थे। तो उसी के नज़दीक पे बुद्धा टेम्पल था तो हम भी आ गए यहाँ, हमने चलो बुद्धा टेम्पल घूम के आते हैं तो शायद इनकी स्कूटी की सर्विस भी हो चुकी होगी, वहाँ से स्कूटी उठाते हैं फिर चलते हैं अपने घर की तरफ। तो दोस्तों यही हमारा ब्लॉग था आज का, आपको जैसा भी लगा होगा प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब थोड़ा बहुत करना। फिर मिलते हैं आपके साथ किसी और जगह किसी और नए ब्लॉग में। थैंक यू दोस्तों। अभी हम आ रहे हैं एक दूसरी जगह, ये यहाँ मैं वैसे जा कभी आया नहीं हूँ, इससे पहले भी मैं एक बार बुद्ध टेम्पल आया था बट उस टाइम मैं यहाँ नहीं आया था तो इसको देख के जाते हैं। ठीक है बाकी ये है वो जगह, अभी आपको इसके अंदर बुद्ध भगवान की एक Thank you.
साल फर्स्ट बार लाफिंग ट्राई और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।